कोरोना काल की वजह से बहुत जगह अफरा तफरी का माहौल है। लोग घरों में रहना अधिक पसंद कर रहे हैं। ऐसे में जिनकी शादियां होनी है वो लोग काफी चिंतित है कि कैसे उनकी शादी मैनेज हो। तो ऐसे में आप उनके लिए एक विकल्प लेकर आ सकते हैं वर्चुअल वेडिंग बिजनेस का। जी हाँ, वर्चुअल वेडिंग एक ऐसी वेडिंग जिसे ऑनलाइन ही किया जा सकता है। तो चलिए आसान भाषा में जानते हैं कि वर्चुअल वेडिंग क्या है। तो वर्चुअल वेडिंग मतलब ऑनलाइन शादी, जिसमें शादी की सभी रस्मों में सभी करीबी रिश्तेदार एवं दोस्त ऑनलाइन शामिल होते हैं। इसमें वर्चुअल तरीके से सभी दोस्तों एवं रिश्तेदारों को ऑनलाइन ई इनविटेशन भी दिया जाता है। इसमें उन्हें एक निश्चित दिन एवं समय की जानकारी दी जाती है और सभी लोगों को उस दिन सही समय में फंक्शन के अनुसार तैयार होकर ऑनलाइन ही पार्टी में शामिल होना है। अब वर्चुअल वेडिंग प्लानर बिजनेस की मांग कितनी है, तो आज जैसा माहौल है उसको देखते हुए वर्चुअल वेडिंग ट्रेंड पर है। ऐसे में लोगों को अब सहूलियत भी हो रही है। देश हो या विदेश, हर जगह इस बिजनेस के बारे में खूब चर्चा है। इसका कारण ये कि लोग अपना काम छोड़कर दूर दूर से शादियां या फंक्शन अटेंड करने आते हैं, जिसमें उनका समय और पैसा दोनों ही खर्च होता है। दूसरा, कोरोना जैसे टाइम पे जब एक जगह से दूसरी जगह जाना ना तो सुरक्षित है और ना ही जाने दिया जा रहा है, तो ऐसे में वर्चुअल वेडिंग लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन के तौर पर सामने आया, जिसे लोग खासा पसंद भी कर रहे हैं। यदि आप इसका बिजनेस करते हैं तो भविष्य में ये काम आने वाला एक बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो वर्चुअल वेडिंग प्लानर बिजनेस की प्लानिंग कैसे करें, यदि आप वर्चुअल वेडिंग बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले बिजनेस प्लान बनाना होगा। तो यहाँ हम आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रहे हैं। पहले वेब प्लेटफॉर्म का चयन। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको सही वेब प्लेटफॉर्म का चयन करना होगा। ये प्लेटफॉर्म जूम एप्लीकेशन, गूगल हैंगआउट, फेसबुक लाइव, गूगल डू, फेस टाइम और हाउस पार्टी, इस टाइप के एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। दूसरा है सेटअप तैयार करें। तो प्लेटफॉर्म का चयन करने के बाद उसे सेटअप करना होगा कि कैसे आप उसमें काम कर सकते हैं, लोगों को कैसे एक जगह इकट्ठा करके शादी या फंक्शन से जोड़ सकते हैं। तीसरा होगा ई इनविटेशन देने की तैयारी करें। आप अपने इस व्यवसाय में अलग अलग प्रकार के डिजाइनर ई इनविटेशन कार्ड तैयार करके रखें, जिससे आपके ग्राहक इसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को इनवाइट करने के लिए सेलेक्ट कर सके। फिर आता है वर्चुअल फोटोग्राफर। इस बिजनेस को करने से पहले ही आप सोच लें कि आपको एक वर्चुअल फोटोग्राफर की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसे लोगों से संपर्क करें जो वर्चुअल फोटोग्राफी करने में माहिर है। इसके अलावा क्या प्लानिंग करनी होती है कि हर शादी में देखिए पंडित, मौलाना, संगीत, डीजे, गिफ्ट आदि होते हैं, तो वर्चुअल वेडिंग में भी आपको इन सब चीजों की पहले से प्लानिंग करके रखनी होगी। फिर अपने बिजनेस का नाम चुनें। आपने इस बिजनेस को करने का फैसला ले ही लिया है तो सबसे पहले अपने बिजनेस का नाम सोचें और उसे रजिस्टर्ड करवाएं। याद रखें, बिजनेस नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए। फिर होगा रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। तो अपने बिजनेस से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आप किसी की सलाह ले सकते हैं, जिससे आपकी जानकारी हो जाए कि इस बिजनेस के लिए आपको किन किन लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। या आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, तमाम तरह के वीडियो उपलब्ध होते हैं। इसके बाद आता है वेडिंग की प्लानिंग। अब वेडिंग प्लानिंग करें स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले सभी कार्यक्रमों की विस्तार से सूची बनाएं, फिर कार्यक्रमों का दिन एवं निर्धारित समय तय करें, फिर ड्रेस कोड निर्धारित करें अगर जरूरत है तो, फिर ई इनविटेशन कार्ड का चयन करके मेहमानों को इनवाइट करें, फिर वर्चुअल फोटोग्राफर बुक करें, फिर वेन्यू की व्यवस्था करें, फिर बड़ी स्क्रीन की व्यवस्था करें, फिर सभी को एक साथ कनेक्ट करें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।